वेलकम बैक टू गुरुश्री। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के डेटिंग सिस्टम को। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए BC AD या फिर BCE और CE लिखा रहता है हिस्ट्री टर्म्स में, ठीक है। तो क्या होते हैं, देखिए पहले तो आप ये देखिए जो ज़ीरो है यहाँ पर, आपने इंटीजर टेबल देखी होगी, तो ये ज़ीरो जो होता है यहाँ पर, हमारे जो जीजस क्राइस्ट है उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। ये जो जीजस क्राइस्ट है इनका बर्थ हुआ था। अब यहाँ इसको हमने बेस माना है। अब इसके आगे के जो साल होते हैं उनको हम कहते हैं AD, ठीक है। और इनके जो पहले हुआ है उसको कहते हैं BC। कैलेंडर हमारा यहीं से बनना चालू हुआ है, ठीक है। तो आज जो हमारा साल चल रहा है वो 2021 चल रहा है, यानी कि जो हमारे जीजस क्राइस्ट है उनका जन्म हुए 2021 साल हो चुके हैं। अब BC की जब हम बात करते हैं तो 2021 साल से जो पहले की, जब कैलेंडर बना होगा उसके पहले की जो बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं BC। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना, जीजस क्राइस्ट से पहले का। और इसका होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इंग्लिश में, ये ग्रीक वर्ड है, एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, है ना, या फिर आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर जीजस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसको कॉमन एरा भी कहा जाता है। कॉमन एरा मतलब कि भगवान के जो जीजस क्राइस्ट है उनके समय में, ठीक है। और बिफोर कॉमन एरा मतलब कि भगवान के समय के पहले, ठीक है। तो आई होप आपको अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा चीज़ देखते हैं। अब देखिए इसको देखिए आप, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। बिफोर प्रेजेंट क्या है, अब देखिए बिफोर प्रेजेंट का मतलब होता है, आपकी बुक्स में कभी हमेशा लिखा हो रहता है बिफोर प्रेजेंट BP। BP मतलब क्या होता है, तो देखिए BP जो रेडियो कार्बन की जो डेटिंग से 1950 के पहले की जो चीज़ें हुई है उसको कहते हैं BP, ठीक है। 1950 को जैसे हमने यहाँ पर जीरो को माना है आधार, वैसे ही हम लोग यहाँ पर आधार किसको मानते हैं, 1950 को मानते हैं। देखिए 1 जनवरी 1950 को इन्होंने एज स्केल की उपाधि दी है, ठीक है, कि एज स्केल के रूप में माना जाएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब हुआ ये है कि 1950 ही क्यों, क्योंकि 1950 के बाद में न्यूक्लियर वीपन्स बनना चालू हो गए थे। और न्यूक्लियर वीपन्स की आर्टिफिशियल तरीके से उनकी जो थी कार्बन डेटिंग होने लग गई, मतलब कार्बन फैल गया, कार्बन इतना फैल गया कि दुनिया में कि अब कोई भी चीज़ की कार्बन डेटिंग करना मुश्किल है। और देखिए जो कार्बन होता है उसकी आइसोटोप जो होती है वो 12 होती है, लेकिन इसकी जो आइसोटोप है वो 14 कर दी जाती है। कार्बन की नॉर्मली 12 होती है, लेकिन कार्बन की जब आइसोटोप को 14 कर दिया जाता है तब ये कार्बन डेटिंग करने के काम में आती है, ठीक है। कार्बन डेटिंग वो होती है जो कोई भी सड़ी हुई चीज़ होती है, कोई भी जिंदा चीज़ जो होती है वो सड़ती है, और वो सड़ते सड़ते एक अपनी डेटिंग को बताती है। कार्बन डेटिंग उसी तरीके से पता चलता है, ठीक है। अब इसके बाद क्यों 1950 ही डेट चुनी, क्योंकि अगर 1950 के बाद की हम डेट चुनेंगे तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम लोग 1950 के पहले की ही चीज़ें मानते हैं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि कार्बन डेटिंग जो होती है बीपी का मतलब 1950 के इतने साल पहले की हम बात कर रहे हैं वो, है ना, ओके। अब देखिए डिकेड का मतलब क्या होता है, डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो भी समय काल होता है उसको बोलते हैं 10 ईयर्स, ठीक है, डिकेड। अब जब फर्स्ट हाफ ऑफ डिकेड बोला जाएगा इसका मतलब कि पहले 5 साल, 1 साल से 5वें साल तक को फर्स्ट डिकेड कहा जाएगा, और सेकेंड हाफ मतलब कि बाकी का आधा साल, यानी कि 6 साल से 6ठे साल से 10 साल को मतलब कि हाफ, सेकेंड हाफ डिकेड कहा जाएगा या फिर लास्ट डिकेड कहा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब सेंचुरी का क्या मतलब होता है, सेंचुरी का मतलब होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। एक सेंचुरी, शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर्स, और डिकेड को हिंदी में बोलते हैं दशक, ठीक है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, हमारी सारी वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही होती है। और स्टूडेंट्स मैं इसलिए इतना जल्दी बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो जो रहे वो बिल्कुल छोटी बने और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाए उससे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, जब अगर फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी बोला जाता है तो यहाँ थी कि पहले 50 साल, 1 से 50वें साल तक को फर्स्ट हाफ ईयर कहा जाता है सेंचुरी का, और सेकेंड हाफ जो रहता है सेंचुरी का उसको 51 साल से लेकर के जो 100 साल है वो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब होता है 100 ईयर्स। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे इन सारे डेटिंग सिस्टम को, इसलिए आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेनियम का मतलब होता है 100, है ना, 1000 ईयर्स, ठीक है।
फर्स्ट हाफ ऑफ मिलेनियम मतलब कि 1 से 500 साल तक, और सेकेंड हाफ ऑफ मिलेनियम मतलब होता है 501 साल से लेकर के 1000 साल तक, है ना, 501 से लेकर के 1000 साल तक को सेकेंड हाफ ऑफ अ मिलेनियम कहा जाता है। ओके, अब देखिए एक वर्ड आता है सिरका, या तो सिरका ऐसे दे देते हैं आपको, है ना, या फिर एक वर्ड आता है इस तरीके से सी ए कर देते आपको, है ना, सी ए डाल देंगे या फिर सी डाल देंगे, कोई भी डेट लिख देंगे, जैसे कि इन लोगों ने लिख दी 1950 या फिर 1950 BC लिख दिया और यहाँ पर सी डाल दिया, ठीक है, अब यहाँ पर सी डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया ये जो है मतलब कि सिरका, मतलब कि ये लोग, इनको अप्रोक्स डेट है, इनको कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, ठीक है, ये इन लोगों ने अनुमान लगाया। और देखो हिस्ट्री बनती ही ऐसे है कि 10 लोग देखते, 10 लोगों के नज़र ही अलग रहते हैं, और 10 लोग किसी भी चीज़ को देख करके कोई भी एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ हो सकती इतने साल पुरानी होगी, तो जब होगी लग जाता है, और जब एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है तब होता है सिरका का यूज़, CA. या फिर सी, इसका ये इसके शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर दिए जाते हैं दोनों, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जब भी डेट नहीं पता होगी किसी चीज़ की वहाँ पर सिरका लगेगा। ओके, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब मैं आपको बताता हूँ डेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड कब था, तो 2600 BC से 1900 BC, है ना, इसका मतलब कि जो 2600 BC मतलब कि जीजस के जन्म लेने से 2600 साल पहले से 1900 साल पहले के बीच में ये टाइम पीरियड हुआ होगा, है ना। अब जीजस क्राइस्ट जो है उनको क्रूसीफाइड मतलब कि फांसी पर जब लटका, ये सूली पर जब चढ़ाया था, तो सूली पर चढ़ाया था 30 AD में, है ना, मतलब कि जीजस क्राइस्ट को 30 साल की एज में ही मतलब वो उनको मार दिया गया था, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, जो प्रॉफेट मोहम्मद, वो कब, उनका जन्म कब हुआ था, 570 AD में हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को अब AD लिखा गया यहाँ पे, है ना, तो आप लोगों को सारा डेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा अभी, ये ठीक है। तो अब इसके अलावा मैंने देखिए आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर आप चाहे तो इन एग्जांपल्स के फ़ोटो ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर इसके अलावा भी मैं आप लोगों को, जो हमारी एप्लीकेशन है आप उसमें एनरोल कीजिए, हम आपको फ्री में नोट्स भी देंगे इसके, ठीक है सारे। अगर आपको फिर भी, अगर यहाँ से वीडियो से ही आप लोगों को अगर ये लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए। अच्छा, अब एक बात और, आप लोगों को मैंने डेटिंग सिस्टम सिखा दिया है, अब एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि अगर हमको 2021 से अगर कोई डेट पता करनी है कि मान लीजिए कि जीजस, मान लीजिए कि अगर जीजस क्राइस्ट का 30 AD में वो शांत हो गए थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना, आज की डेट से, अगर करेंट डेट से इसको कैलकुलेट करना है AD की डेट को, तो हम माइनस करेंगे, और अगर करेंट डेट से मतलब 2021 से अगर हमको BC को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर करेंगे प्लस। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भैया हमको यहाँ पर अगर हम है तो यहाँ से अगर यहाँ पर जाना है तो हम लोगों को बस इतना ही समय तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ पर पूरा जाना है तो हमको पूरा लंबा समय करना तय करना पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे कि हमको ये जैसे माइनस है ना, तो अगर जैसे कि मान लीजिए 21 AD की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर 21 AD की बात कर रहे हैं तो 21 AD है, ठीक है, 20 AD है, मान लीजिए 21 AD है, चलिए 21 AD को मान लिया एग्जाम्पल के रूप में, तो 2000 हो गए, ठीक है, मतलब हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना, आज से। अब हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए कि हम लोगों ने बोल दिया कि 2021 आज का करेंट ईयर है, और हमने बोल दिया कि हमको 21 BC की बात करनी, तो हम प्लस कर देंगे, और 21 और 21 होते 42, है ना, तो 2042 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, है ना, तो ये BC यहाँ पर आ जाएगा और ये AD इस तरफ है ना। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग हमारी एप्लीकेशन से जुड़िए, गुरुश्री करके हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, आप लोग इंस्टॉल कीजिए, या फिर हम लोग आपको लिंक में सेंड कर देंगे, या फिर आप लोग हमको कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ पर वो लिंक गूगल प्ले पे आपको जो मिलेगी, वो गूगल प्ले स्टोर पे वो कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा इसका दे देंगे, और इस एप्लीकेशन को कैसे रन करना, कैसे चलाना है, उसकी भी हम पूरी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।